हेलो सब्सक्राइबर्स एंड माय डियर फॉलोअर्स, ये देखिए ये कोरोना वायरस की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हम देख रहे हैं सबसे बाहर की तरफ स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन है, फिर इसके बाद यहाँ देखें छोटी स्ट्रक्चर्स है जिसे हम एची कहते हैं, हीमोग्लुटिनिन एस्ट्रेस डाइमर, और इसके साथ साथ इसमें एक एनवलप है और इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। तो अब यहाँ ये समझें कि जो इस जब ये वायरस बॉडी के अंदर चला जाता है तो एक टेस्टिंग कराई जाती है, उस टेस्टिंग का नाम है आरटीपीसीआर टेस्ट। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, आरटी का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पीसीआर का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये क्या है, एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है। इसको हम देखें कि क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, ठीक है, तो अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन क्या कहलाता है, देखिए डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन, और इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो अब ये जो आरएनए है इसको दोबारा से डीएनए में बदला जाता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। तो जब कोई व्यक्ति होता है पॉजिटिव तो उसके शरीर में जो आरएनए गया हुआ होता है उस आरएनए को डीएनए में बदलकर यहाँ पर हम मशीन के अंदर, ये डीएनए का एक जो है डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है और इसकी डीएनए की डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को लेकर हम इसका एम्पलीफिकेशन करना शुरू कर देंगे। एम्पलीफिकेशन यानी पीसीआर, जिसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। तो अब अगर हम इस डीएनए को जो कि कोरोना से इन्फेक्टेड है इसको मशीन के अंदर साइक्लिक प्रोसेस में घुमाते हैं, इसको समझा, साइक्लिक प्रोसेस में घुमाते हैं, अगर इसकी 30 साइकिल या 35 साइकिल तक अगर इसमें कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए रिपोर्टेड हो जाता है तो उसे हम जो है डिक्लेयर कर देते हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव है। तो इसकी 30 साइकिल तक, इसकी 30 साइकिल तक हम मशीन के अंदर इसको घुमाएंगे और घुमाने पर सपोज 5 साइकिल में कोरोना वायरस डिटेक्ट हो गया तो इसकी वैल्यू कहलाएगी CT5। CT का मतलब क्या है, साइक्लिक थ्रेशहोल्ड। तो अगर इस डीएनए को हम मशीन के अंदर घुमाते हैं और पांच साइकिल घुमाने के बाद अगर यहाँ पर कोरोना वायरस का आरएनए डिटेक्ट हो जाता है तो इसकी वैल्यू कहलाएगी सीटी यानी साइक्लिक थ्रेशहोल्ड। तो साइक्लिक थ्रेशहोल्ड उसकी 5 हो गई तो इसका मतलब ये है कि इस पे वायरस लोड ज्यादा है, इसका मतलब ये है वायरस लोड ज्यादा है जिसकी वजह से ये व्यक्ति बहुत तेजी के साथ बीमार होगा और ये बीमारियां फैलाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम मशीन में किसी दूसरे व्यक्ति का सैंपल चेक करके इसको घुमाते हैं, डीएनए को घुमाते हैं, और डीएनए को घुमाने पर सपोज यहाँ पर 25 साइकिल आ गई तो इसका सीटी 25 होगा, तो इसमें क्या है, वायरस लोड कम है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर वायरस लोड लेस यानी कम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको कोरोना नहीं है लेकिन इस पे वायरस का असर कम है तो ये भी कोरोना पॉजिटिव होगा। तो इसमें सीटी की वैल्यू क्या है, साइक्लिक थ्रेशहोल्ड, यानी मशीन में डीएनए को अंदर एम्पलीफिकेशन यानी पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करने पर, घुमाने पर अगर उसकी साइक्लिक प्रोसेस कम होती है तो उसमें वायरस लोड ज्यादा है, और अगर ज्यादा घुमाते हैं 25 आ गया 30 आ गया तो उसका साइक्लिक थ्रेशहोल्ड ज्यादा है तो उसमें वायरस लोड कम है। तो अब इस बात को समझें कि 30 या 35 साइकिल तक घुमाने पर अगर उसमें आरएनए डिटेक्ट हो जाता है कोरोना वायरस का तो उसे हम पीसीआर पॉजिटिव कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पीसीआर पॉजिटिव, उसे हम कहेंगे पीसीआर पॉजिटिव। और अगर 30 साइकिल या 35 साइकिल तक घुमाने के बाद भी यहाँ पर आरएनए डिटेक्ट नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं पीसीआर नेगेटिव। तो अभी हमने ये समझा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रोसेस में
पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसा समझें कि यहाँ पर मशीन के अंदर इस डीएनए को हम 30 या 35 साइकिल तक घुमाते हैं, तो कुछ लोगों का जो वायरल आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, वो 5 साइकिल या इससे कम में डिटेक्ट हो जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर उसमें वायरस लोड ज्यादा है और उसकी सीटी है 5। अब इसी तरीके से अगर हम 25 तक घुमाते हैं, 30 तक घुमाते हैं, घुमाते घुमाते हमें वायरस डिटेक्ट, वायरस का जेनेटिक मटेरियल डिटेक्ट होता है, तो उसकी सीटी वैल्यू 25 होगी, तो जिसकी जितनी ज्यादा सीटी वैल्यू होगी उतना वायरस लोड उसमें कम होगा। तो इस तरीके से हम पीसीआर रिपोर्ट के जरिए पता लगाते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर वायरस का इन्फेक्शन कितना है। ओके, तो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो और दिस इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर फाइनल एक बात मैंने बता दी, अगर सीटी की वैल्यू कम है तो वायरस का लोड ज्यादा है, और अगर सीटी वैल्यू ज्यादा है तो वायरस का लोड कम है। तो अब ये बात जो थी फाइनल कि यहाँ सीटी अगर उसका वायरस लोड कम भी है तो ऐसा नहीं है कि उसको खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि वायरस तो बॉडी के अंदर जाकर रेप्लिकेशन करके अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सीटी वैल्यू कम हो या ज्यादा हो, कम हो या ज्यादा हो, वो पॉजिटिव है। बस इतना हम कह सकते हैं कि जिसका सीटी वैल्यू कम है उसे वायरस लोड ज्यादा होने की वजह से उसकी हालत जल्दी खराब होगी और वो जल्दी समाज में इन्फेक्शन फैलाएगा। जिसका सीटी लोड, सीटी वैल्यू ज्यादा है, हो सकता है कि उसकी इम्यूनिटी उसे रिकवर कर दे और वो व्यक्ति जो है माइल्ड इन्फेक्शन में ही रहे। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माई वीडियो।